तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने ड्राइंग को थोड़ा अच्छा और साफ सुथरा बना सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये देखिए, इस ड्राइंग में ना मैंने पूरा टाइम लिया, धीरे धीरे किया। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो अच्छे से ना शेडिंग की मेरी इसमें। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती सब करते हैं और वो है ये, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लेंडिंग यहाँ पे दिख रही होगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ये देखो हेयर का जो डार्क पार्ट होता है उसका जो ब्लेंडिंग करके जो ग्रेफाइट का पाउडर आता है उसी को यहाँ पर रगड़ देते हैं। बोलो ऐसे टाइम लेके नहीं करते, पता नहीं क्यों यार। ओके, तो अब बात करते हैं बॉर्डर की। तो ये देखो, अब ना थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा भी बाहर निकला हुआ नहीं। इसके लिए यूज़ होता है एक टाइप का टेप, जिसे आप कहते हैं मास्किंग टेप, या फिर आप वॉशी टेप यूज़ कर सकते हैं जिससे पेपर जो है पील नहीं होता। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे पेपर बिल्कुल पील नहीं हुआ है, ये पेपर अब भी ठीक है। अब बारी आती है आउटलाइंस की। तो आउटलाइन के लिए दो से तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है फ्री हैंड, दूसरा होता है ये ग्रिड मेथड। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये देखो, यहाँ पे कुछ लाइन्स दिख रहे हैं, इसे ग्रिड मेथड कहते हैं। आप चाहे तो ग्रिड मेथड को किसी ऐप से डिजिटली या फिर प्रिंट करके उसमें आप बना सकते हैं, उसके बाद A4 में फिर से बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट होता है फ्री हैंड। तो फ्री हैंड में ना हमेशा आईज से स्टार्ट करना, या फिर जो फेस है उसे ड्रॉ कर देना, उसके बाद ड्रॉ कर। क्यों? क्योंकि देखो, मानो कि यहाँ पे एक क्रैक सा है तो वहाँ से अगर मैं आईज को स्टार्ट करूँगा तो समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे यहाँ आईज है, उसके बाद यहाँ नोज। और ये बात तो हमेशा याद रखना होता है कि आईज का ये पॉइंट और नाक का ये पॉइंट, इन दोनों का एक स्ट्रेट लाइन कान का डिस्टेंस होता है। अगर आप देखो कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है या फिर थोड़ा ऐसे है, लेकिन कभी आप देखो कि कुछ ऐसे है, कुछ ज़्यादा है ऊपर चला गया, तब सोचो ना कि वो ड्राइंग थोड़ा गलत किया गया है। अब देखते हैं डिटेलिंग पे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आउटलाइन काफ़ी डार्क कर देते हैं, फिर जैसे डिटेलिंग होता है तो सीधा फ्लैश शेडिंग करके ब्लेंड करके थोड़ा इरेजर चला के और इन डिटेलिंग को डार्क कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, धीरे धीरे करो, जहाँ पे डार्क है फिर ऑब्जर्व करो, फिर लाइट करो, फिर डार्क करो। पहले ना जितना लाइटर आप शेड कर सकते हो उतना पूरा ड्राइंग को करो। हेयर अभी छोड़ गए क्योंकि हेयर को लास्ट में करना होता है। तो मानो मैंने आई से स्टार्ट किया तो लाइटली लाइटली 4H 2H जैसा भी आपको पेंसिल मिले उससे करो, और फिर धीरे धीरे उसे एरिया को डार्क बनाओ। क्योंकि अगर डार्क फिर ना ज़्यादातर तो लोग ये कर देते हैं कि जहाँ डार्क सिंपल डार्क कर देते हैं। अगर आप ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहे हो ना तो ये बात हमेशा याद में रखना है कि पहले लाइट लेयर, फिर मीडियम, फिर और करना है। क्योंकि अगर डायरेक्ट डार्क कर दोगे उसके बाद आप ब्लेंड करोगे तो वो ज़्यादा डार्क होके अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ देखो, मैंने ब्रश से यहाँ पे डार्क कर दिया, उसके कारण कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है, जब भी आप ड्राइंग की इमेज खींचो तो उसे अच्छा कैसे लुक आए। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये लिया मैंने मैकेनिकल पेंसिल, इसे मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पे मैं कलर पेंसिल रख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये मेरे पास थी। तो इन्हें अगर मैं ऐसे रख दूँ को, हाँ ये देखो, ऐसे आप इमेज खींच सकते हो जिन मटेरियल से आपने बनाया है, और उससे और है कि आप कैसे प्रेजेंट करो उस वीडियो को ताकि वो अच्छा दिखे इमेज। यहाँ पे आप चाहे तो किसी पेंसिल का निब रख सकते हो या फिर कोई और भी चीज़। ठीक,
अब बात करते हैं एक और गलती की। एक और गलती होती है हड़बड़ाई। तो क्या कहते हैं हड़बड़ाई में, कि कहते हैं कि ये तो बस एक प्रैक्टिस किया और ऐसा ही कर दिया। नहीं, टाइम लो, धीरे धीरे करो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बस फेस ड्रॉ कर दिया, जैसा बना वैसा सही ना। पहले थोड़ा टाइम लो, आईज को लो। अगर आप हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करो ना, तो टाइम आपका बहुत लगता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ पे टाइम ना ले, अगर आप नहीं लोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। आपको ये ज्यादा दिख रहा है, स्किन कम दिख रहा होगा ना। देखो यहाँ पे स्किन का जो टेक्सचर है वो अच्छे से नहीं बना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और तो और ये जो फेस है, यहाँ पे भी अगर आप हड़बड़ी दिखाओगे, तो जैसा कि ये फेस थोड़ा इधर हो चुका है मेरा, ये थोड़ा इधर सा होता तब जाके ये अच्छा दिखता। ये तो एक और बात हुई। ठीक, नेक्स्ट आता है जब आप आउटलाइन में थोड़ा डिटेलिंग दे, तब हेयर में डिटेलिंग देखोगे। तो सिंपल मैं डिटेलिंग दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे व्हाइट जेल पे ना ही कुछ यूज किया था। सिंपली हेयर को बस इरेजर से मिटाए और फिर से स्ट्रोक दे दिया मैंने, और उसके बाद ब्लेंड किया। तो देखो ऐसा हेयर का लुक आया। और मैं टाइम लेके बनाऊंगा ना, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, तो और अच्छा बनता। ठीक, अब नेक्स्ट गलती होती है आउटलाइंस की। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने ग्रिड यूज किया तो एकदम वैसा का वैसा ही बना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर एक ड्राइंग में ही ग्रिड यूज करना है। जब भी आप देखो कि आपका ड्राइंग थोड़ा टफ हो, तब ही यूज करना। जैसे कि अगर मानो मैं बड़े स्केल पे बना रहा हूँ, या जैसे A1, A2, A23 मीडियम, तब यूज करना। लेकिन जब आप A4 में ड्रॉ कर रहे हो, तो कोशिश करना कि कम से कम ग्रिड का यूज किया जाए। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ छोटी मोटी गलतियां। जैसे कि यहाँ पे एक छोटी मोटी हमने गलती है, वो ये है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आईज को जैसा तैसा बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसा आपका आई है वैसा बनाना। मानो कि मैं किसी और को बनाना चाहता हूँ और उसका आईज मैंने ठीक नहीं किया, तो नाक और थ्रोट से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। आपकी सब चीज सही होनी चाहिए, आईज भी, नोज भी और लिप भी। क्योंकि अगर वही सही नहीं रहेंगे, तो किसी और का भी चेहरा उसमें बन सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका चेहरा एक जैसा हो, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब देखेंगे वहां पे जहाँ पे आपको ड्राइंग का लुक बनाना होता है। तो ड्राइंग का लुक मेन होता है, और वो है शेडिंग। यहाँ पे बहुत जन फंसे रहते हैं शेडिंग में। ज्यादातर लोग को देखा होगा आपने कि वो क्या करते हैं, जैसे टाइम लैप्स वीडियो आपने कोई देखा होगा किसी वीडियो का, वैसा करने चले जाते हैं। असल में ज्यादातर लोग सोच रखते हैं कि वो इतना स्पीड से बना रहे हैं, क्योंकि जिन्हें टाइम लैप्स का पता नहीं होता। पहले मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैं भी स्पीड में बनाता था। धीरे धीरे मैं टाइम लैप्स को देखा अच्छे से। अब बात करते हैं असली चीज की। असली चीज यहाँ पे एक गलती है, जिसे आप कमेंट में बताना, उसके बाद फिर भी मैं बता देता हूँ। तो गलती है यहाँ पे देख रहे हो कि डिटेल को मैंने फुल डार्क कर रखा है 4B या 6B से, जो कि बिल्कुल नहीं करना होता। यहाँ पे देखो स्किन ज्यादा लाइट हो गई, ये थोड़ा डार्क हो गया। ऐसा होना चाहिए था, ये बराबर हो तब अच्छा लगता। ठीक, तो ये है कुछ कुछ गलतियां और टिप्स, जैसे आप ड्राइंग को अच्छा लगा सके। होप अगर आपको ये वीडियो लाइन को ध्यान से देखो, क्योंकि जो माउथ के पास मैंने डिटेल किया है, वो लग रहा है ना सीधा लाइंस दे रही है मैंने, वो बात कहना चाहता था मैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize.